नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको DLED फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। और आज इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को हम डील करेंगे। तो हमने प्रॉपर नोट्स आपके लिए बनाए हुए हैं, जिससे कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूँ। तो आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर से देख लीजिएगा। इसके लिए मैंने अलग से एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है DLED फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के नाम से। तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपके प्रश्नावली के क्वेश्चन हैं और आप इनको अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। मैंने प्रॉपर नोट्स आपके लिए बनाए हुए हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है लघुत्तरी प्रश्न में पहला दिया था कि सजातीय तथा विजातीय व्यंजक कौन कौन से होते हैं, ये बताइए। तो जब मैं आपको स्टार्ट किया था चैप्टर को, तभी मैंने इनके बारे में बताया हुआ था। तो आपने प्रीवियस के वीडियो नहीं देखे तो आप उनको देख लीजिए, वहाँ पे इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन हमने किया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्रियात्मक प्रश्न पर। और क्रियात्मक प्रश्न में देखेंगे तो पहला प्रश्न क्या कहा हुआ है, इन्होंने कहा हुआ है कि यहाँ पर एक व्यंजक दिया जा रहा है, एक ये व्यंजक दिया जाता है और इन दोनों व्यंजकों को आपको जोड़ना है। ठीक है, तो दोनों व्यंजकों को आपको जोड़ करके यहाँ पे हल पूरा सॉल्यूशन आपको दिखाया गया है। मैं आपको साथ ही साथ में यहाँ पे समझाता भी चल रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे कहा गया कि 5x² प्लस में आपको 3x प्लस में आपको 7, इनको आपको दूसरे व्यंजक यानी जो व्यंजक है x² प्लस में x प्लस में 6 इसके साथ जोड़िए। तो प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, आप देखिए जोड़ लीजिए, तो 5x² ये रहा और 1x² ये रहा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6x² हो जाएगा और यहाँ पर 3x ये रहा और x ये रहा, तो कितना हो जाएगा 4x। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 और 6 कितना हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6x² प्लस में 4x प्लस में 13। आप इनको जोड़ सकते हैं, देखिए मैंने लिखकर पूरा आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या कहा हुआ है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसने कहा है कि एक कक्षा में बालकों की संख्या यहाँ पर दी गई है 2a प्लस में b प्लस में 5 तथा बालिकाओं की संख्या जो दी गई है वो आपको 2a प्लस में 3b प्लस में 2 ये आपको दी गई है। अब कहा गया है कि बताइए कि इस पूरे क्लास में कितने मतलब छात्र है टोटल मिला के, तो बॉयज गर्ल्स की संख्या दी गई है, इन दोनों को हमको जोड़ना होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो प्रॉपर मैंने लिखकर यहाँ पे जोड़ दिया है, बालकों की संख्या बराबर ये, बालिकाओं की संख्या बराबर में ये, अब कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बराबर में बालकों और बालिकाओं की संख्या दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्लास में हमें टोटल मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पहले रख दिया है बालकों की संख्या यानी बॉयज के कैंडिडेट्स और यहाँ पर गर्ल्स कैंडिडेट्स। अब देखिए 2a और 2a आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि ये समान है, तो इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख लिया, पोस्टर लगा लिया, प्लस लगा दिया। फिर हमने बीवी वाले दोनों पोर्शन एक साथ लिख लिए। इसमें क्या होता है, इसमें जोड़ने में आसानी आपको होती है यहाँ पे। और हमने यहाँ पे अचर पद लिख लिए पूरे, यानी यहाँ पे 5 और 7 इन दोनों को लिख लिया। अब जोड़ देंगे, देखिए 2a कितना हो जाएगा 4a लिख दिया। अब 3 आप यहाँ पे 3b देख सकते हैं और b देख सकते हैं, दोनों को जोड़ोगे तो 4b हो जाएगा और 5 और 2 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखने का तरीका है, आप जाएंगे एग्जाम में इसी तरीके से आपको लिख के आना है। ठीक है, आप चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या कहा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि एक गाँव में महिलाओं की संख्या दी गई है आपको, ठीक है, तथा यहाँ पे पुरुषों की संख्या दी गई है। अब ये कह रहे हैं महिलाओं और पुरुषों की संख्या दी गई है, तो बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो आपको पता है, जैसे मान लो मैंने कहीं मान लिया कि 10 कैंडिडेट्स हैं मेल कैंडिडेट्स किसी गांव में और 5 कैंडिडेट्स हैं वुमेन कैंडिडेट्स यानी फीमेल कैंडिडेट्स। अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे अगर निकालना चाहें, और वो कह रहा है कि मेल कितने ज़्यादा हैं, तो मेल कितने ज़्यादा होंगे, 5 ज़्यादा होंगे, क्योंकि देखिए 5 10 हैं, 10 मेल हैं, 10 मेल में से 5 अगर हम यहाँ पे वुमेन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा निकल नहीं जाएगा कि मतलब कितने ज़्यादा मेल होंगे। तो इसी तरीके से जैसे मान लो नंबर्स में दिए गए हैं 10, यहाँ पे फीमेल 5 दी गई हैं, इन दोनों को हम हटा रहे हैं तो कितना बचेगा, हमारा 5 बचेगा। इसी तरीके से हमको इनको डिफरेंस करना पड़ेगा इन दोनों के बीच में।
तो ये जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अचर संख्या दोनों साथ में है, तो कभी भी इसका एग्जैक्ट अचर नंबर नहीं निकल सकता, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 4a दिया गया है, दूसरे में आपको 5a भी दिया गया है, तो ये हमेशा किस में रहेंगी, अचर और चर दोनों में संख्या दिखाई देंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक भी अचर संख्या अलग से सेपरेटली नहीं दी गई है, परंतु आपको यहाँ पे चर अचर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो हमको क्या करना है, हमको सिंपली इनमें डिफरेंस करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे महिलाओं की संख्या लिख दो, यहाँ पे पुरुषों की संख्या लिख दो। अब देखिए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक होगी, तो दोनों का आपको डिफरेंसिएशन मतलब डिफरेंस करना है आपको। ठीक है, तो डिफरेंस करेंगे तो क्या करेंगे, इन इसको और इसको घटा देंगे, महिलाओं को यहां से घटा देंगे पुरुषों में से। अब ठीक है, अब देखिए अभी हमने कोष्टक लगा दिया, माइनस लगाने से पहले मैंने यहाँ पे कोष्टक लगा दिया, क्योंकि माइनस चिन्ह सब चिन्हों को अंदर वालों को चेंज कर देगा। ठीक है, तो यहां पर तो ये सेम टू सेम ही रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस और प्लस यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे 4a से पहले क्या है, प्लस है कोष्टक के अंदर, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो माइनस हो गया 4a। इसके बाद इसी माइनस चिन्ह के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा फिर से हमारा। मतलब देखिए आपको इतना हेडिंग नहीं लेना है, जैसे माइनस है तो अंदर के सभी चिन्ह अपोजिट होंगे, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2b² से 2b² ये कट गया आपका। अब हमारे पास क्या बचा, 5ab माइनस का 3ab और यहाँ पे माइनस का 4a और यहाँ पे 6c। अब इनमें जो समान है उनको घटा लीजिए, यहाँ पे दो देख सकते हो दोनों के पास ab है, तो ये आपस में घट जाएंगे, तो 5 में से 3 ab चला जाएगा, तो 2ab बचेगा। अब ये जो संख्या है ये तो किसी में से घटेंगे नहीं, क्योंकि इनके समान कोई है ही नहीं, तो ये सेम टू सेम रह जाएंगी। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 2ab माइनस का 4a और माइनस का 6c। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप कर लोगे, तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पर डिफरेंस करना है आपको दोनों का, इनको आपको अंतर निकालना है, तभी आप यहाँ पे बता पाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए क्या कहा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए किसी गांव में पुरुषों की संख्या दी गई है। ठीक है, फिर कह रहा है पुरुषों की संख्या देने के बाद इसमें महिलाओं की संख्या दी गई है, बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। भाई सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपको डिफरेंस करना है। यहाँ पे देखो पुरुषों की संख्या दी गई है, महिलाओं की दी गई है, तो दोनों का आपको अंतर निकालना है। तो यहाँ पे पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है, तो अंतर निकालेंगे, ये पुरुषों की संख्या माइनस लगा दिया, ये महिलाओं की संख्या। ठीक है, अब दोनों का हमने यहाँ पे क्या कर दिया, देखिए पुरुषों की संख्या ये रही और महिलाओं की संख्या में जैसे ही हम कोष्ठक हटाएंगे तो सभी चिन्ह अपोजिट हो जाएंगे, तो सब अंदर प्लस के हैं तो सब माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए मैंने अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर 6xy था, तो यहाँ पे xy का टर्म हमने यहाँ पे लिख लिया, पद लिख लिया 5y² माइनस का 2y², यानी इन दोनों को एक साथ लिख लिया। यहाँ पे आगे जो रह गए ये किसी से मैच नहीं खा रहे, तो उनको बाहर दूसरी साइड पे हमने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब आसानी से घटा लेंगे, जैसे 6xy है तो यहाँ पर 1xy चला जाएगा, तो 5xy रह जाएगा। यहाँ पे देखिए 5y² है और 2y² है, तो 3y² बच जाएगा आपके पास। अब ये सेम टू सेम ही रिपीट कर जाएंगे, तो भाई हमने यहाँ पे लिख दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में क्या कहा हुआ है, तो यहाँ पर पूरा एक जो क्वेश्चन है वो आपको सिंप्लीफिकेशन का दिया गया है। यहाँ पे जो कोष्टक होते हैं उनको हम क्रम से हटाते हैं, तो वही कोष्टक देखिए पहले सबसे छोटा कोष्टक हटाएंगे, इसके बाद अगर मंझला कोष्टक आता ये वाला मंझला वाला तो ये हम हटाते, कर्ली ब्रैकेट वाला जब ये नहीं आया तो इसे हटाने की जरूरत नहीं है। फिर हम यहाँ पे जो बड़ा कोष्टक आपको दिख रहा है इसको हम हटाएंगे, तो पहले हमको क्या सॉल्व करना होगा, तो ये कोष्टक के अंदर जो चीजें हैं इनको हम सॉल्व कर लें। तो पहले देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ, 0.04। ठीक है, और अगले बारे में आप तीन संख्या देख रहे हैं तो इसके आगे भी एक जीरो लगा देंगे। यहाँ पे अब हमको इसमें से घटाना है 0.004। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जैसे ही इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 में से 4 तो जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ से हम कैरी ले लेंगे। कैरी लेने के बाद ये 10 हो गया, 10 में से 4 गया तो 6 बच गया। अब यहाँ पे बच गया 3, क्योंकि एक कैरी में चला गया, तो 3 का 3 उतर जाएगा, 0 का 0, पॉइंट लगा दो 0। ठीक है, तो 0.036। तो अगले पद में देखोगे हमने 0.036 ही आपका लिखा है, देखिए 0.036 लिखा है, तो यही मैंने घटा के यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आपको साथ साथ में बताता चल रहा हूँ, आपके पास सामने पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलिए
अब देखते हैं यहाँ पर इसने क्या कहा हुआ है कि यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ 0.04, तो यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है, मैंने गलती से ये लिख गया है मेरा 0.04, तो यहाँ पे 0.4 था ओनली, ठीक है। तो अब उसमें से हमको घटाना था, तो ये अभी थोड़ा मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको सुधार लीजिए, 0.4 था ये, ठीक। अब यहाँ पे 3 नंबर घटाने हैं तो हम इधर पीछे भी 2 अंक लगा देंगे, तो 0.036 इसमें से हमको घटाना है इसको, तो घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लिया, यहाँ 10 हो गया, फिर यहाँ से इधर ले गए तो यहाँ 10 हो गया। अब यहाँ पे कितना बच गया, 4। अब यहाँ पे रह गया 9 ही, क्योंकि यहाँ से एक कैरी चले गए थे, 9 बचा, 9 में से 6 रह जाएगा, 6 के बाद यहाँ पे आपका 3 रह जाएगा, पॉइंट में 0, यानी आपका ये जो बचा है वो कितना बचा है, 0.364। तो 0.364 इसका पूरा बचा है, इसे काट के पूरा 0.346 हम रखेंगे, ठीक है। तो इसे पूरा काट के हम कितना रखेंगे, 0.346, ठीक है, 0.346, सॉरी 0. गलत लिख दिया, 0.0 क्यों गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी हम यहाँ पे करेंगे, प्रीवियस का बोल रहा हूँ मैं, 0.4 था, ठीक है, तो 4 था तो 3, और यहाँ पे 4 बचेगा तो 364 होगा, ठीक है। तो अब देखिए 0.364, ठीक, ये आपका आ गया। अब प्लस में इसका ये था, तो यहाँ पे 1.1 हो जाएगा, इसे घटा लोगे इसमें 2 में से ये, तो 1.1 बचेगा। अब यहाँ पर कितना था, यहाँ पे 4 था आपका आगे, ठीक है। तो अब इसमें हम ये जो 1.1 है इसमें जोड़ देंगे, तो कितना बन जाएगा, 5.1, ठीक है, 5.1 बन जाएगा। इसमें से हमें 0.364 घटाना है, 0.346 घटा दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, 5.112, ठीक है, 3 बार जा रहा है ना, तो यहाँ पे पॉइंट लगाइए, 0.3364 हटा दो इसमें से, ठीक है, इसमें से हटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 6, यहाँ पे बच जाएगा कितना, 3, और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे एक कर लिया, 10 हो गया, 10 में 3 का 7 बचा, और पॉइंट में 4, यानी 4.736 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसे आप यहाँ से आप चेंज कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ये मैं काट दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से आप इसे कर लेना। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा हुआ है, व्यंजक दिए गए हैं, पहला व्यंजक, दूसरा व्यंजक, और कहा है दोनों का हमको योग करना है, और योग करने के बाद ये जो व्यंजक दिख रहा है इसमें से इसको हमको, इस व्यंजक को घटा देना है इसमें से, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ घटाने पे, तो पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा एक्स और 2x 3x हो गया, और बाई और 2y और बाई 3y हो गया, ये हमारा आ गया। अब इसमें से हमको इस चीज को घटाना है, ठीक है, तो इस चीज को घटाना, 3x प्लस 3y माइनस का 3 कोष्टक में x प्लस y, तो यहाँ पर देखिएगा हमने अंदर गुणा करा, 3x, ये 3x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, तो ये सभी आपस में कट जाएंगे, आंसर बचेगा आपका 0, ठीक है, इस तरीके से कर लीजिए आप। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा हुआ है, तो कह रहे हैं 4x² प्लस में 7x प्लस में 12 में से इतना आपको घटाना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन डालेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे ये आपका है और इसमें से इसे घटाना है, तो घटाने से पहले यहाँ पे हम कोष्टक लगा लेते हैं ताकि चिन्ह चेंज होते हैं ना, तो इसलिए, तो जितने भी अंदर कोष्टक में जितने भी साइन है उनके नेगेटिव साइन हो जाए, मतलब अपोजिट साइन हो जाएंगे, तो ये सभी आपके माइनस में चले जाएंगे, वो सब प्लस में थे, ठीक है। अब देखिए समान समान को लिख लेंगे, जैसे 4x² है इसके पास हम 2x² लिख लेंगे, 7x है तो इसके पास 6x लिख देंगे, ये अचर वाला है तो इसके पास अचर वाला लिख देंगे। देखिए सभी को मैंने क्रम से अरेंज कर लिया है। अब यहाँ पे 4x² और 2x² कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर सॉरी इसमें से ये घट जाएगा तो 2x² रह जाएगा। अब यहाँ पर इसमें से ये घट जाएगा तो 1x रह जाएगा, इसमें से ये घट जाएंगे तो आपका 7 रह जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जुड़वा रहा है, तो आप इसे आसानी से जोड़ सकते हो, तो यहाँ पे जोड़ने के हमने लिख दिए यहाँ पे, अब देखो आपस में जोड़ देंगे 7x और ये 1x², तो 7x² 1x² 8x² हो गए,
ठीक है, 2x 2x दोनों प्लस के हैं तो 4x हो गए, और यहाँ पे 5 और 7 है तो ये 12 हो गए। तो इस तरीके से आप इनको जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। तो ये सभी आपको मैंने करा दिए, इसके बाद मैं बहुविकल भी प्रश्नों को कराऊंगा अगले वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू दोस्तों।